नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DHFL के बीडिंग प्रोसेस को लेकर, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते होंगे इस बीडिंग प्रोसेस में पिरामल ग्रुप और ऑक्ट्री कैपिटल के बीच में टसल चल रहा है बीडिंग प्राइस को लेकर। इसमें एक बार फिर से पिरामल ग्रुप आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, न सिर्फ टोटल बीडिंग वैल्यू के मामले में बल्कि इवैल्यूएशन मैट्रिक्स जो सेट किया हुआ है COC और लेंडर्स द्वारा उसमें भी। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे पिरामल ग्रुप आखिर कैसे आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है ऑक्ट्री कैपिटल से। सीओसी और लेंडर्स ने जो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स सेट किया है उसमें पिरामल ग्रुप और ऑक्ट्री कैपिटल का कितना पॉइंट बन रहा है, इस मामले में कौन आगे जा रहा है, और शायद बीड को हाथ से फिसलता देख ऑक्ट्री ने सीओसी को लेटर लिखा है, उस लेटर में क्या लिखा है और क्या आरोप लगाया है, साथ ही पिरामल ग्रुप ने क्या रिप्लाई दिया है, इन सारी चीजों का डिटेल हम जानेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि कौन जीतेगा, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूं, जब फोर्थ राउंड की बीडिंग कंप्लीट हुई थी उसमें पिरामल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे था जबकि ऑक्ट्री कैपिटल फर्स्ट पोजीशन पे था, लेकिन बीड ये बार बार रिवाइज होता रहा और फाइनली ऑक्ट्री कैपिटल ने जो बीड सबमिट किया उसके अगेंस्ट में एक बार फिर से पिरामल ने भी अपना रिवाइज बीड सबमिट किया है और उस बीड के अकॉर्डिंग ये अमाउंट 38,250 करोड़ हो रहा है जो कि 36,400 करोड़ से ज्यादा है। इसलिए पिरामल ग्रुप एक बार फिर से नंबर वन बन गया है। पिरामल ग्रुप ने यह प्रपोजल 24 दिसंबर को सबमिट किया है। यह रहा एक कारण जिसकी वजह से पिरामल ग्रुप अभी नंबर वन पोजीशन पे आ गया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऑक्ट्री कैपिटल एक बार फिर से अपना प्रपोजल रिवाइज करके दे दे और शायद एक बार फिर से वो नंबर वन पोजीशन पे आ जाए। RBSA एडवाइजर ने जो इसका फेयर वैल्यू तय किया था वो करीब 41,000 करोड़ तय किया था और मुझे ऐसा लगता है कि एक दो बार और अगर ये रिवाइज हो जाता है तो ये इसके आसपास पहुंच जाएगा, यानी जो DHFL का करंट फेयर प्राइस बताया जा रहा है उसके आसपास ये पहुंच सकता है अगर एक से दो बार और ये बीट का प्राइस रिवाइज कर दिया जाता है तो। इसके अलावा जो दूसरा रीजन है, और अपने पहले के वीडियो में बता भी चुका हूं, सीओसी और लेंडर्स ग्रुप ने 6 पैरामीटर तय किए थे जिसके बेसिस पे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स बनाया गया था और उन 6 पैरामीटर पे जिसको भी ज्यादा अंक मिलेगा शायद वो इस बीट को जीत सकता है। वो 6 पैरामीटर क्या थे और उस पे किसको कितना अंक मिला, आइए अब जान लेते हैं उसके बारे में। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स दिया गया था और उसमें जिसका जितना वेटेज परसेंटेज दिया हुआ था मैंने ये बना रखा है एक्सेल शीट में। अपफ्रंट कैश पेमेंट के लिए 30% दिया गया था, एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए 40% दिया गया था, इक्विटी अलॉटमेंट के लिए 5% दिया गया था, कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए 10% दिया गया था, ट्रैक रिकॉर्ड के लिए 10% और की मैनेजरियल पीपल के लिए 5%। इसमें 4 क्वांटिटेटिव पैरामीटर है और 2 क्वालिटेटिव पैरामीटर है। जो 4 क्वांटिटेटिव पैरामीटर है इसमें 85% का मार्क्स बन रहा है और इसमें 76% मिल रहा है पिरामल ग्रुप को, वहीं पे 70% मात्र मिल पा रहा है ऑक्ट्री कैपिटल को। अगर क्वालिटेटिव पैरामीटर की हम बात करें जिसमें ट्रैक रिकॉर्ड और की मैनेजरियल पीपल आता है तो दोनों का बराबर हो जाता है और दोनों ही 15 अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर टोटल कैलकुलेट करके हम देखें 100 मार्क्स के अगेंस्ट में तो 91 मिलता है पिरामल ग्रुप को, वहीं पे 85 अंक मिलता है ऑक्ट्री कैपिटल को। ये रहे दो मुख्य कारण जिसके बेसिस पे कहा जा सकता है कि पिरामल ग्रुप अभी फ्रंट रनर बना हुआ है और ऑक्ट्री कैपिटल नंबर 2 पोजीशन पे खिसक गया है। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में पिरामल ग्रुप से ऑक्ट्री कैपिटल पिछड़ रहा है उसके दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण बताया जा रहा है कि पिरामल ग्रुप ने जो अपफ्रंट पेमेंट का दिया है ऑफर वो ज्यादा है और साथ ही जो उसने इक्विटी इन्फ्यूजन की बात की है उसमें सर्टेनिटी दिख रही है और ये ऑक्ट्री कैपिटल से ज्यादा है, जबकि ऑक्ट्री कैपिटल का जो ऑफर है उसमें सर्टेनिटी नहीं दिख रही है। दूसरा कारण बताया जा रहा है कि पिरामल ग्रुप ने टोटल इंश्योरेंस का बिजनेस जो अभी चल रहा है DHFL का वो बाई आउट करने का प्लान किया है और वो उसके बारे में सर्टेनिटी दिखा रहा है। पिरामल ग्रुप टोटल इंश्योरेंस बिजनेस को खरीद लेगा, ये पेमेंट डायरेक्टली क्रेडिटर्स को जाएगा, जबकि इसमें ऑक्ट्री कैपिटल का कमिटमेंट क्लियर नहीं है और उसमें से कुछ बाई होल्ड करने की भी बात कर रहे हैं, यानी वो 100% पेमेंट नहीं करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया 91 पॉइंट्स मिलता है पिरामल ग्रुप को 100 के स्केल पे, वहीं पे ऑक्ट्री कैपिटल को 85 मिलता है 100 के स्केल पे और ये COC द्वारा दिया जा रहा है। ये
कंफर्म न्यूज तो नहीं है, लेकिन सोर्सेज द्वारा बताया गया है जो इस पूरे बीडिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है। अब जान लेते हैं ऑक्ट्री कैपिटल ने जो लेटर लिखा है सीयूसी को, उसमें क्या आरोप लगाया है और उसके अगेंस्ट में पिरामल ग्रुप ने क्या रिप्लाई दिया है। ऑक्ट्री कैपिटल ने जो सीयूसी को लेटर लिखा है उसमें वो बता रहा है कि उसके बीड को शुरू से ही मिसरिप्रेजेंट किया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि ऑक्ट्री कैपिटल का बीड है वो इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है, और साथ ही वो ऑक्ट्री कैपिटल को डिसक्रेडिट करना चाहते हैं क्योंकि सेकेंड हाईएस्ट बीडर पिरामल ग्रुप है, उसको फेवर किया जा सके। ये क्लियरली उन्होंने अपने लेटर में लिखा है। ऑक्ट्री कैपिटल एक और चीज यहाँ पे रेफर कर रहा है कि पिरामल इंटरप्राइज इज द सेकेंड हाईएस्ट बीडर थ्रू आउट द लेटर, यानी ऑक्ट्री कैपिटल ने बहुत बार लेटर लिख चुका है और बार बार वो बता रहा है कि हमेशा से कोशिश की जा रही है पिरामल इंटरप्राइजेज जो कि सेकेंड हाईएस्ट बीडर है उसको फेवर किया जा सके। ऑक्ट्री कैपिटल जो दूसरा आरोप लगा रहा है कि उसने 1000 करोड़ कैपिटल इन्फ्यूजन का गारंटीड लेटर दिया है, जबकि पिरामल ग्रुप ने जो प्रपोजल दिया है कैपिटल इन्फ्यूजन का वो 3800 करोड़ है, लेकिन ये कोई बाइंडिंग कमिटमेंट नहीं है जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि ये फर्म कमिटमेंट नहीं दिया जा रहा है पिरामल ग्रुप द्वारा। आगे बढ़ते हुए ऑक्ट्री कैपिटल ने लिखा है कि पिरामल ग्रुप ने जो प्लान दिया है कि वो DHFL को अपने पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस के साथ मर्ज कर देंगे, इसका मतलब ये निकल के आ जाएगा कि जो टोटल एक्सपोजर है वो न्यू एंटिटी के तरफ हो जाएगा, ना कि जो ओरिजिनल एंटिटी DHFL है उसके तरफ रह जाएगा। आगे बढ़ते हुए ऑक्ट्री कैपिटल इसमें ऐड करता है कि जो बेनिफिट है प्रपोज्ड फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूजन का सेकंड हाईएस्ट बीडर यानी पिरामल ग्रुप द्वारा वो DHFL के जो ओरिजिनल लेंडर से उसके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा और ये मिक्सअप हो जाएगा। लेटर में आगे बढ़ते हुए ऑक्ट्री कैपिटल एक बार फिर से सीओसी पे इनडायरेक्टली आरोप लगा रहा है कि उसको ऐसा लग रहा है कि वो 2700 करोड़ रुपए अपफ्रंट कैश पेमेंट है उसमें वो डिस्काउंट करना चाह रहा है, जबकि ऑक्ट्री कैपिटल बता रहा है कि उसका जो रिजोल्यूशन प्लान है उसमें 17400 करोड़ रुपया का इमीडिएट पेमेंट करने का है। मोर और लेस ऐसा कहा जा सकता है कि ऑक्ट्री कैपिटल को शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बीड उसके फेवर में नहीं जा सकती, इसलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीओसी या सेकंड जो बीडर है पिरामल ग्रुप पे वो आरोप लगाते जा रही है। इसके अगेंस्ट में पिरामल ग्रुप का भी रिस्पांस आया है और उनके जो स्पोक्स पर्सन द्वारा बताया जा रहा है अपने लेटर के माध्यम से कि ये जो ऑक्ट्री कैपिटल आरोप लगा रहा है ये टोटल ही काल्पनिक और कंस्पिरेसी थ्योरी है जो कि सच्चाई से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। साथ ही पिरामल ग्रुप का कहना है कि 22 दिसंबर के क्लारिफिकेशन के बाद हर बीडर के पास अपॉर्चुनिटी था कि वो अपना फिर से रिवाइज करके बीड सबमिट करे, जो कि ऑक्ट्री कैपिटल नहीं कर पाया। इसके अलावा पिरामल ग्रुप का कहना है कि बहुत सारे डायमेंशन पे ऑक्ट्री कैपिटल का बीड हमारे सामने खड़ा नहीं होता है और काफी पीछे रह जाता है, इसलिए उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, इसलिए ऑक्ट्री कैपिटल उल्टे सीधे ये लेटर लिख रहा है जिसका कोई बुनियादी मतलब नहीं है। बीड प्रोसेस के फाइनल होने में इसका कितना इंपैक्ट पड़ता है और साथ ही जो ई वोटिंग चल रही है उसमें इसका कितना इंप्लीकेशन होता है ये फ्यूचर में देखने वाली बात होगी। कंक्लूजन में मैं बताना चाहूंगा कि DHFL को अगर पिरामल ग्रुप जीत जाता है तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा क्योंकि उसके बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेंगे। वीडियो के आखिर में मैं कहना चाहूंगा अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।